दिल्ली कंटोनमेंट क्षेत्र में नंगल नामक एक गांव है। नौ साल की एक बच्ची ने अपने माता पिता से कहा कि वह पीर बाबा की दरगाह पर खेलने जाना चाहती है। हालांकि उन्होंने उसे ठंडा पानी शमशान घाट के वाटर कूलर से लाने के लिए कहा। पिता ने उसे कहा कि वे रात के खाने के बाद ठंडा पानी पिएंगे। लड़की मान गई। पिता ने शाम 5:30 बजे बच्ची को शमशान घाट पर छोड़ा। इसके बाद पिता सब्जी खरीदने के लिए चले गए और लड़की को कहा कि वहां आधा घंटा इंतजार करें। लड़की मान गई और पानी लेने चली गई। इसके बाद वह सब्जी लेने चले गए। बच्ची बेहोश पाई गई। पुजारी राधे श्याम ने मां को फोन किया और कहा, जल्दी आओ। मां जल्दी से शमशान पहुंची और 9 साल की बच्ची का बेजान शव जमीन पर पड़ा मिला। उसके होंठ नीले पड़ गए थे। चौंकाने वाली बात यह है कि उसकी कलाई और कोहनी पर चोट के निशान थे और उसकी नाक से खून निकल रहा था। मां ने पुजारी से पूछा कि बच्ची को क्या हुआ है। राधे ने उसे बताया कि पानी भरते समय लड़की को करंट लग गया और इसलिए उसने उसे जल्दी से फोन किया। मां सदमे में थी और उसे नहीं पता था कि क्या करना है। राधे श्याम ने उसे कहा कि उन्हें तुरंत शव का अंतिम संस्कार करना चाहिए, अन्यथा पुलिस पोस्टमार्टम करेगी और डॉक्टर उसके अंगों को चुरा लेंगे। मां पूरी तरह से हैरान थी और एक शब्द भी नहीं कह सकी। पुजारी और उसके 3 कर्मचारी लकड़ियां जुटाने लगे। उन्होंने मां से आधार कार्ड या पैसे भी नहीं मांगे और दाह संस्कार की तैयारी की। राधे श्याम और उनके कर्मचारियों ने खुद दाह संस्कार के लिए सब तैयारियां कर ली। उन्होंने बच्ची को लपेटने के लिए लाल कपड़ा भी मंगवाया और उसका अंतिम संस्कार करने लगे। चिता के जलते ही मां विलाप करने लगी और 200 गांव के लोग वहां पर जमा हो गए। उसके पति ने भी वहां पहुंचकर शरीर से आग बुझाई। दुख की बात है कि उसके शरीर के केवल बच्ची के पैर चिता से बचाए जा सके। लड़की के परिवार और गांव वालों का अब दावा है कि पुजारी और उसके कर्मचारियों द्वारा लड़की का सामूहिक बलात्कार किया गया और फिर उसकी हत्या कर दी गई। लड़की के परिवार की एक पड़ोसिन ने कहा, हम चारों दोषियों के लिए कड़ी से कड़ी सजा चाहते हैं। यदि पुजारी के अनुसार यह बिजली के झटके का मामला था तो जल्दी में उसका अंतिम संस्कार क्यों किया गया? उन्होंने पुलिस को सूचित क्यों नहीं किया ताकि वे उसे पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल ले जा सके? वे दाह संस्कार करने के लिए क्यों आतुर थे? कुछ गड़बड़ है। मामला सामूहिक बलात्कार और हत्या का है। उन्होंने लड़की के माता पिता की सहमति के बिना लड़की का अंतिम संस्कार क्यों किया? पुजारी जानते हैं कि नियमानुसार 6 बजे के बाद कोई दाह संस्कार नहीं किया जाता है, फिर भी जल्दबाजी में उसका अंतिम संस्कार क्यों किया गया?
हमें यकीन है कि लड़की के साथ चार लोगों ने सामूहिक बलात्कार किया और फिर उसकी हत्या कर दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। आक्रोशित ग्रामीणों ने मांग की कि वे बलात्कार का मामला भी दर्ज करें। अंत में पुलिस मान गई और बलात्कार का मामला भी दर्ज कर लिया। ग्रामीणों ने कहा कि पुलिस ने शिकायत दर्ज नहीं की क्योंकि लड़की दलित परिवार से थी। पुलिस मामले की जांच कर रही है और शमशान घाट से फोरेंसिक साक्ष्य जुटाए गए हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आरोपी के दोषी पाए जाने पर मौत की सजा की मांग की है।